इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़वाडी की तरफ से उठता है धूल का एक भवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध घाट पर जाता है, आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की एक सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है और वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खलाऊं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर।